नगर आयुक्त तुकाराम मुंडे की पहल, नदी की सफाई के साथ नाली की भी सफाई शुरू हुई। शहर में नाग और पीली और पोहरा नदियों की स्वच्छता अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इन नदियों की सफाई के साथ साथ शहर के 10 क्षेत्रों के तहत लगभग 6 नालों का भी काम शुरू किया जा रहा है। 5 क्षेत्रों में 6 नालों की सफाई अप्रैल में शुरू हुई है। नागपुर के नगर आयुक्त तुकाराम मुंडे ने यह पहल की और 7 मई तक शहर में पूरे नाले की सफाई की इच्छा व्यक्त की है। नागपुर शहर के 10 जोन के अंतर्गत 4 नालियां हैं। इनमें से अधिकांश नालियों में कीचड़ और कचरा जमा हो गया है। इससे जल निकासी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए खतरा है। भारी बारिश से बाढ़ भी आती है। इन सब को रोकने के लिए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने पूरे नाले की सफाई करने का निर्णय लिया है। उसी के अनुसार सफाई का काम शुरू हुआ। नाली की सफाई मशीन द्वारा की जाती है और जहां मशीन द्वारा यह संभव नहीं है वहां सफाई कर्मचारियों द्वारा की जाती है। वर्तमान में शहर में लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना के बाद नागरिक घर में है। आशावादी आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि तालाबंदी के बाद जब स्थानीय लोग घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें जल निकासी की सुंदर तस्वीरें देखने को मिलेगी। वर्तमान में धर्मपेट, हनुमान नगर, नेहरू नगर, गांधीबाग और आसी नगर के अंतर्गत 5 नालों में 5 नालियां निर्माण शुरू किया गया है। 2 टन क्षमता से 1, 4 टन क्षमता 1 और 2 टन 8 टन क्षमता और 1 टन क्षमता की मशीन काम कर रही है। इससे पहले नाले की सफाई जो मई में शुरू हुई थी इस साल अप्रैल में ही शुरू हुई और नगर आयुक्त तुकाराम मुंडे के पास 7 मई को शहर में पूरे नाले को साफ करने की जिम्मेदारी है। यह लक्ष्य लोक स्वास्थ्य विभाग, इंजीनियरिंग विभाग और स्वच्छता विभाग के समन्वय के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। नाले की सफाई की पूरी जिम्मेदारी जोन के मुख्य सफाई अधिकारी, वार्ड के सैनिटरी इंस्पेक्टर, वार्ड के जूनियर इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर विभाग को सौंपी गई है। ड्रेनेज क्षेत्र में बहने वाले कीचड़ को क्षेत्र में डंप किया जाएगा। नागपुर नगर निगम सीमा के भीतर 2 क्षेत्रों में 2 नालियां है। लक्ष्मीनगर जोन में 1, धर्मपेट जोन में 2, हनुमान नगर जोन में 2, धंतोली जोन में 2, नेहरू नगर जोन में 2, गांधीबाग जोन 2, सतरंजपुरा जोन 7, अशोकनगर जोन 7 और आशीनगर जोन 9। इनमें से 3 नालों की सफाई पोकलाइन द्वारा की जाएगी। अन्य नालियां जहाँ पोकमैन नहीं जा सकता उन्हें मैन पावर द्वारा साफ किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।